हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जो इंडिया के सबसे रिस्पेक्टेड और आइकॉनिक बिजनेस लीडर्स में से एक हैं, रतन टाटा। हम सब उन्हें टाटा ग्रुप के वजह से जानते हैं, बट उनका सफर सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने तक का नहीं है। सो चलिए शुरू करते हैं और उनकी कहानी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था, एक ऐसे परिवार में जो ऑलरेडी एक इन्फ्लुएंशियल बिजनेस फैमिली थी। लेकिन यह जरूरी नहीं था कि उन्हें सब कुछ आसानी से मिल गया हो। डिस्पाइट बीइंग बोर्न इन द टाटा फैमिली, उनकी अपब्रिंगिंग सिंपल और वैल्यू बेस्ड थी। उन्होंने काफी मेहनत करके अपनी जगह बनाई। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को 1961 में ज्वाइन किया, लेकिन डायरेक्टली किसी बड़े पोस्ट पे नहीं आए। उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पे, जहां उन्होंने लाइमस्टोन शवल करना और ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज के साथ काम करना शुरू किया। मतलब ग्राउंड लेवल से बिजनेस सीखने की जर्नी थी उनकी। रतन टाटा की बात करें तो उन्होंने हमेशा एक डिफरेंट विजन रखा। बिजनेस के साथ साथ उनका गोल था कुछ ऐसा बनाना जो आम आदमी के काम आए, सिर्फ रिच लोगों के लिए नहीं। टाटा नानो को ही ले लो, एक ऐसी कार जो हर इंडियन फैमिली के लिए अफोर्डेबल हो, ये ड्रीम लेकर उन्होंने नानो बनाई थी। उनका फोकस हमेशा ये रहा कि ऐसे प्रोडक्ट्स बनाइए जो सोसाइटी को अपलिफ्ट करें। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक ह्यूमैनिटेरियन भी हैं। उन्होंने अपने लाइफटाइम में कई डोनेशंस और चैरिटी वर्क्स किए हैं, लेकिन कभी उन्होंने इन चीजों का दिखावा नहीं किया। जो भी उन्होंने किया उसका मकसद हमेशा लोगों की मदद करना और देश का भला करना था। तो ये थी एक छोटी सी कहानी रतन टाटा के बारे में। उनका बिजनेस सक्सेस तो सब जानते हैं, लेकिन उनकी इंसानियत और लोगों के लिए सोच उन्हें ट्रूली ग्रेट बनाती है। ऐसे ही इंस्पायरिंग लोगों के बारे में वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।